the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so welcome everyone this is dr paramjeet hello everyone right today we are going to talk about glaucoma what is glaucoma and how it affects your life and kya hai ग्लोकोमा ग्लोकोमा एक आंखों के अंदर प्रेशर की बीमारी है और ये एक आंख की ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आईज डैमेज होती है डैमेज ऑफ दी ऑप्टिक नर्व ग्लोकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन वेयर दैट कैन डैमेज योर आई की ऑप्टिक नर्व आंखों में एक बहुत जरूरी नर्व होती है ऑप्टिक नर्व ये वही नर्व है जो देख के जो सिग्नल है उसको आपके ब्रेन तक पहुंचाने वाला काम करती है ऑप्टिक नर्व एंड ज्यादातर यहां पर जो डैमेज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दी इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रेशर प्रेशर इन दी आईज आईज़ के अंदर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से इंट्राऑक्युलर प्रेशर ऑक्यूलर मींस आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से देर इज डैमेज टू ऑप्टिक नर्व जो आंख के पीछे आंख के गोले के पीछे जो नर्व है उसको लिटरल डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर समझ रहे सो ग्लोकोमा इज बेसिकली द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड भैया दुनिया में वैसे तो चार प्रकार के ग्लोकोमा है इसमें आते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जिसको एंगल क्लोज एंगलोजो ग्लोकोमा भी बोलते हैं कंजनाइटल बचपन से होने वाला ग्लोकोमा और सेकेंडरी ग्लोकोमा। ना। अब समझिए कि आंख है आईज है आंख के अंदर दो पार्ट है फ्रंट और बैक फ्रंट पार्ट में जो क्लियर 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 पानी भरा होता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर और ये जो बना होता है इसके पीछे बेसिकली दिस बेसिकली आइरिस के पीछे होता है और इसके इसमें क्या ये क्लियर होता है तो आपको ये एरिया जो आइरिस यानी आँख के जो लेंस है लेंस और आँखें के आगे जो पुथनियाँ हैं उसके पीछे में जो पहला चेंबर है उसको बोलते हैं एंटीरियर चेंबर एंटीरियर चेंबर के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं बेसिकली uh, जो ऐसे नीचे और इधर एंगल बनाते हैं एंगल यहाँ पर ये जो कॉर्निया है कॉर्निया मतलब आंखों के आप, बाहर की जो कवरिंग है वो क्लियर होती है और प्यूपिल आयरिस प्यूपिल और वो एंगल ये तीन चार चीजें होती हैं। इमेज आप देख सकते हैं और इस चीज में एक बहुत सिंपल सिस्टम है ये फ्लूइड जो है ये पानी जो बाहर निकलता रहता है एंगल से एंगल से एंगल से बाहर निकलता रहता है एनीथिंग आंखों के अंदर पानी बनता है? के अंदर से बाहर रहता रहता है एंगल से वहां पर अगर एंगल बंद हो गया या वहां से बाहर निकलना कम हो गया तो अंदर ही अंदर प्रेशर ज्यादा प्रेशर ज्यादा से नर्व डैमेज ग्लॉक बस हो गया पूरा सुनो तो इसमें क्या होता है अगर एरिया स्मॉल है बाहर निकलने का एरिया है स्मॉल और स्लो तो उसको उसको बोलते हैं मतलब मतलब धीरे धीरे अगर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब इन क्लोज्ड ओपन एंगल क्या होता है इन ओपन एंगल ग्लॉको द इंक्रीज इन द प्रेशर इज स्मॉल एंड स्लो मतलब, in मतलब के रास्ता बंद नहीं हुआ है रास्ता बंद होगा तो फिर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा तो उसको ओपन एंगल बोलते हैं कि अभी भी एंगल ओपन है काम तो हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है फ्लूइड निकल रहा है पानी निकल रहा है स्लो निकल रहा है क्लोज एंगल ग्लॉकोमा मतलब एकदम से प्रेशर बढ़ जाएगा और सडन इंक्रीज होगा अब रास्ता बाहर का बंद हो गया आउटफ्लो बंद काम ठप क्लोज एंगल ग्लॉकोमा दोनों ही डैमेज कर सकते हैं ऑप्टिक नर्व को लेकिन क्लोज वाला ज्यादा जल्दी करेगा ऑब्वियस सी बात है और इसीलिए ओपन वाला सबसे कॉमन है ओपन वाला सबसे कॉमन है जो ज्यादा डेंजरस नहीं है वो कॉमन हो जाता है तो कॉमन है उसका कारण क्या है आंखों के अंदर धीरे 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 प्रेशर बढ़ता जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा आपको फील नहीं होगा लगा मेरे को तो फील नहीं हो रहा पता भी नहीं चलेगा फील भी नहीं हो रहा है इंक्रीज प्रेशर ऑप्टिक नर्व डैमेज करेगी और एक आपको सीधा एक ब्लाइंड स्पॉट आने लगेगा कि आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा यार ये क्या ये क्या आ गया एकदम ब्लाइंड स्पॉट आने लग जाएगा तो ओपन एंगल ग्लॉकोमा जो है फैमिली में रन करता है आपको हुआ था आपके परिवार में आपके माता पिता भाई बंधु लोगों को हुआ था तो हुआ तो फैमिली में रिस्क होता है ग्रैंड पेरेंट्स इसको और अफ्रीकन डिसेंट वाले लोगों को ज्यादा होता है क्लोज एंगल वाला तब होता है जब बाहर निकलने का रास्ता सडनली बंद हो जाए क्विक सिवियर राइज होता है पहले और इसमें आपके आ, एक जो आंख को देखने के लिए ड्रॉप डालते हैं ना आंखों में टपक टपक और आंख डायलेट करके आंख चेक करते हैं तुरंत कभी कभी क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा में जब वो ड्रॉप डालते हैं उसके वजह से एक्यूट ग्लाकोमा का अटैक हो सकता है एक्यूट मा का एक्यूट ग्लोकोमा का अटैक हो सकता है आंखों में कभी कभी ये डाल देने से डायलेटिंग दी आईड्र डायटिंग आईड्रॉप एंड सर्टन मेडिसिन कैन एक्चुअली ट्रिगर एक्यूट ग्लोकोमा अटैक और क्लोज ग्लॉंगल ग्लोकोमा जब रास्ता बंद है इस काइंड ऑफ एन एमरजेंसी करो करो कुछ ना कुछ वरना आंख फटने लगे ही. हाँ जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा सो so, अगर आपको एक्यूट ग्लोकोमा हो जा रहा है तो सेकेंड आई में भी उसका रिस्क है इज़ वेरी गुड रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस अंधे होने का चांस है भाई साहब सो दैट इज ईज तो एक्यूट हो गया नहीं सॉरी क्लोज एंगल हो गया ज्यादा डेंजरस और ओपन एंगल हो गया ज्यादा कॉमन सेकेंडरी ग्लोकोमा बेसिकली जब uh, सेकेंडरी का मतलब है किसी और बीमारी की वजह से किसी और कारण की वजह से होने वाली बीमारी जैसे अगर मान लो किसी ने स्टीरोयड लिए कॉर्टिको स्टीरोयड्स की वजह से ग्लोकोमा हो सकता है तो स्टीरोयड इंड्यूस ग्लोकोमा जैसे हम बोलते हैं ना स्टीरोयड्स के जिंदगी भर में कभी ना कभी इफेक्ट देखे जा सकते हैं ऐसा ग्लोकोमा भी एक इफेक्ट है या फिर अगर आंख में कभी यूवीआईटीस हो गई या फिर आंखों में चोट लगी या इवन डायबिटीज डायबिटी वाले पेशेंट को भी ग्लोकोमा का रिस्क होता है और कंजेनाइटल ग्लोकोमा तो है ही कंजेनाइटल मतलब बचपन से वो ऑब्वियस सी बात है वो फैमिली में रहेगा आपको बचपन से होगा और हो सकता है आपकी आंख डेवलप ही ना हुई हो प्रॉपरली सो तो अगर आपको ओपन एंगल जोकोमा ज्यादा कॉमन वाला होगा तो आ, आपको तब पता चलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा तब पता चलेगा जब डैमेज हो चुका है राइट स्लो 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 आपका पेरिफेरल विजन स्लोली लॉस होगा पहले इतना दिख रहा है इतना दिख रहा है अब वो दिखना कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम हो, पता नहीं चलेगा आपको कम हो रहा है कम हो रहा है टनल विजन इसके बाहर दिख ही नहीं रहा इसके आर दिख नहीं इतना ही दिख रहा है इसके बाहर कुछ नहीं दिख रहा टनल विजन होती जाएगी राइट right? और एडवांस हो जाने के बाद ब्लाइंडनेस हो सकती है ओपन एंगल क्लकोमा ऐसा होता पता है पता ही नहीं चलता बम राइट right?

फटने जैसी लग सकती है वो इमरजेंसी आपका क्लोज एंगल ग्लॉकोमा कंजन आइटल ग्लोकोमा में भी ये सब चीजें हो सकती है आई में सेंसिटिविटी टीयरिंग एनलार्जमेंट क्लाउडीनेस रेड आई और हो सकता है और सेकेंडरी ग्लॉकोमा में ऑब्वियसली दोनों में से कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा सो जब ऐसा हो जाता है ग्लोकोमा तो आप जाते हैं आंख के स्पेशलिस्ट के पास वो आंख का एग्जामिनेशन करते हैं और आंख के अंदर प्रेशर देखने को एक तरीके को बोलते हैं टोनोमेट्री इस आई का प्रेशर देखा जा सकता है ज्यादातर केसेस में आपको आई को डायलेट करके अंदर भी देखा जाएगा लेकिन अगर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है तो डायलेट नहीं किया जाता बात है। इफ इज डायलेटेड आई विल लुक देन वो इनसाइड देख के आपके आंख के अंदर ऑप्टिक नर्व को देखा जाएगा वहां डैमेज तो नहीं है और आई का प्रेशर डिफरेंट टाइम ऑफ द डे भी डिफरेंट होता है सो so, आपका कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ग्लोकोमा लेकिन आई का प्रेशर उस वक्त जब आप चेक करो तब नॉर्मल है तो इसीलिए ग्लोकोमा को कंफर्म करने के लिए और अलग स्पेशल टेस्ट होते हैं एक स्पेशल लेंस आता है जो आंख के एंगल को देखने में जिसको बोलते हैं गोनियोस्कोपी गोनियोस्कोपी से एंगल को देखा जा सकता है एंगल क्लोज है या ओपन है फोटोग्राफिक या लेजर स्कैनिंग इमेजेस ली जा सकती है आंख के अंदर के ऑप्टिक नर्व इमेजिंग लेजर स्कैनिंग इमेजिंग एंगल की जा सकता है वेरी लाइट सेंसिटिव एरिया है टिश्यू है बैक में आंख का पर्दा जिसको कहते हैं उसको चेक किया जा सकता है और आंख के प्यूपलरी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स को भी देखा जाता है कि आंख लाइट से कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है लिट स्क्लिट लैम्प सिट स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन किया जा सकता है आई का और Visual equity तो देखना ही है, है है, है, है। का 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 नंबर कितना है आपके और field of vision, field of vision का भी है, जी आ, field of vision का भी चेकअप आता आता जी टेस्ट टेस्ट मशीन में आँख के, field of vision टेस्ट किया जा सकता ट्रीटमेंट अगेन टाइप एंड कॉज अगर आपको ओपन एंगल ग्लोकोमा है तो आई ड्रॉप दिए जाएंगे आपको हो सकता है एक से ज्यादा आई ड्रॉप लेने पड़े कुछ समय तक लेने पड़े कुछ साइड इफेक्ट झेलने पड़े आई ड्रॉप के लेकिन ठीक हो जाएंगे और अगर आपको आई ड्रॉप काम नहीं कर रहे तो फिर लेजर ट्रीटमेंट काम करते हैं जिसमें चैनल खोल दिए जाते हैं बाहर निकलने के पानी के जो अंदर आंख के अंदर बन रहा है और अगर लेजर या आई ड्रॉप काम नहीं कर तब फिर ऑपरेशन की बारी आती है भी ऑपरेशन करना पड़ेगा पानी निकालना पड़ेगा आंख से जिससे प्रेशर कम करना पड़ेगा प्रेशर ज्यादा है प्रेशर कम करना है अब अगर आपको गलती से हो गया एक्यूट यानी के एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लैकोमा जो कि मेडिकल इमरजेंसी है फिर आपको तुरंत दवाई दी जाएगी पिल्स ड्रॉप दिए जाएंगे और हो सकता है आपको तुरंत के तुरंत इरिडोटॉमी यानी ऑपरेशन करना पड़े आइरोडोटॉमी नाम का ऑपरेशन किया जाता है इसमें और एक नया चैनल बना दिया जाता है जिसमें आंख का प्रेशर निकल दिया जाए और आपका आंख बच पाए वेरी इंपॉर्टेंट आंख के सर्जन करते हैं इसको आई सर्जन और सेम uh, कंजेइटल और सेकेंडरी ग्लोकोमा किस स्टेज पर है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोकोमा उट ग्लोकोमा विच यू नीड टू नो आई होप यू अंडरस्टुड इसके आगे की जानकारी अगर आपको चाहिए किसी प्रकार से तो अपने डॉक्टर से आ, आई स्पेशलिस्ट से जाके मिले ठीक है थैंक यू सो मच टे कनेक्टेड स्टे हो ग